अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज हम अनबॉक्स करेंगे आईफोन 13 प्रो मैक्स जो कि है सराय ब्लू में मैंने लिया है और ये है 256 GB का। तो आज हम इसका अनबॉक्स करेंगे। सो चलिए, बॉक्स होता है और बहुत ही आसानी से खुल जाता है और ये हम इस तरह खोल लेते हैं। बहुत सिंपल है। तो ये रहा हमारा मोबाइल, ये ब्लू कलर का लुक देता है और ये सराय ब्लू इसका नाम है जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 13 प्रो मैक्स में ही आया है। और मोबाइल को रखते हैं साइड पे, बॉक्स में देखते हैं क्या है। इसमें एक केबल है जो कि है टाइप सी टू लाइटनिंग केबल और ये डॉक्यूमेंटेशन है इसमें, ये सिम एडिक्टर और इसमें एक स्टिकर है, एप्पल स्टिकर जो कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, घर की खिड़की पर भी लगा सकते हैं, गाड़ी पर लगा सकते हैं, लैपटॉप पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो मोबाइल की तरफ आते हैं, अभी उस स्टिकर को हटा देते हैं। उस स्टिकर को हटाने का जो एक्सपीरियंस है वो भी अलग लेवल का है। इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो 12 प्रो मैक्स में आया था उसका जो कैमरा बंप था वो थोड़ा सा छोटा था, मतलब जो कैमरे का जो साइज़ था वो थोड़ा सा छोटा था, और 13 प्रो मैक्स में जो कैमरे का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसलिए इसको बड़ा किया है क्योंकि इसको 13 सीरीज़ में ही इन लोगों ने सिनेमेटिक मोड दिया है जो कि 12 प्रो मैक्स से में नहीं था, बल्कि 13 सीरीज़ से पहले ही नहीं था। तो एप्पल वालों ने सिर्फ 13 सीरीज में ही दिया है सिनेमेटिक मूव। तो मोबाइल को सेटअप कर रहे हैं, तो हमने सेटअप कर लिया है मोबाइल को और मोबाइल ऑन हो गया। इसके लिए मैं एक और भी लाया हूँ और ये है ये प्रोटेक्शन कवर है। तो फाइनली गाइस, इसको हमने अनबॉक्स कर लिया है और सेटअप भी कर लिया है और इसका जो कवर है अभी मैंने इसको लगाया है प्रोटेक्शन के लिए। अब तो जानते हैं कि आईफोन है और सब जाते हैं, हम प्रोटेक्शन के लिए कवर लगाए हैं और इसको जाँच लगाते हैं। जो कवर है वो भी मैंने लगाया है और ये सेटअप हो चुका है। सो ये था इसका अनबॉक्सिंग। वीडियो का इंतजाम यहाँ पर ही करते हैं।